अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके? दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो है जनाब एक बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर के बारे में, जिसको अमूमन बाई डायरेक्शनल मीटर भी कहा जाता है, रिवर्स मीटर भी कहते हैं, ग्रीन मीटर भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो कलर है वो ग्रीन होता है, या फिर इसके अलावा नेट मीटरिंग की जो टर्म है वो भी इस्तेमाल की जाती है। और ये जो बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर होता है जनाब, ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर खरीदे जाने वाले यूनिट्स और बेचे जाने वाले यूनिट्स, यानी कि इम्पोर्ट शुदा यूनिट्स और एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स की कैलकुलेशन और काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आमतौर पर सोलर सिस्टम की जो है वो तीन इकसाम होती हैं, एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, दूसरा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, और तीसरा जो सोल्यूशन है वो इन दोनों का मिक्सचर होता है, जिसको हम हाइब्रिड सोलर सिस्टम कहते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम अमूमन सोलर पैनल्स और बैटरीज पर मुश्तमिल होता है। उसके अंदर ग्रिड की जो सप्लाई है, यानी कि वापटा की या के इलेक्ट्रिक की जो सप्लाई है, वो ऑप्शनल होती है। अगर आप ना भी लगाएं तो सोलर और बैटरीज के कॉम्बिनेशन से आपका सिस्टम चलता रहता है, उससे ग्रिड का यानी कि वापटा का कोई सरोकार नहीं होता। और दूसरी तरफ जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है, वो कुछ इस तरह से काम करता है कि आपका सोलर सिस्टम जितनी भी बिजली बनाएगा वो सारी आपके घर में इस्तेमाल होगी, और जिस टाइम पर आपके घर में कोई लोड नहीं चल रहा या फिर आपके लोड से एक्सेसिव जो बिजली होगी वो वापस वापटा को ट्रांसफ़र हो जाएगी, वापटा के ग्रिड में शामिल हो जाएगी, और उस चीज़ की जो कैलकुलेशन है वो ये ग्रीन मीटर या फिर जो बाई डायरेक्शनल मीटर है ये कर लेगा कि आपने कितने यूनिट जो हैं वो एक दिन के अंदर वापटा से ख़रीदे हैं और कितने यूनिट्स बिजली जो है वो वापटा को सेल की है। तो जो यूनिट्स हम वापटा से ख़रीद के इस्तेमाल करते हैं उनको कहते हैं हम इम्पोर्टेड किलोवाट आवर या फिर इम्पोर्ट, और जितने यूनिट्स हम वापटा को सेल आउट कर देते हैं, ग्रिड में शामिल कर देते हैं, उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आमतौर पर जितने भी आप एनर्जी मीटर्स देखते हैं, चाहे वो सिंगल फेज़ हों चाहे फिर थ्री फेज़ हों, वो सारे के सारे जो हैं वो यूनिडायरेक्शनल मीटर्स होते हैं, यानी कि वो सिर्फ इम्पोर्ट शुदा यूनिट्स की कैलकुलेशन और काउंटिंग कर सकते हैं। अगर आप उनको एज ए बाई डायरेक्शनल मीटर यूज़ करना चाहें तो फिर आपको डबल नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी काम के लिए, इस चीज़ की कैलकुलेशन के लिए प्यारे दोस्तों, ग्रीन मीटर या फिर बाई डायरेक्शनल मीटर जो है वो लगाए जाते हैं। तो जितने भी जो ग्रीन मीटर होते हैं प्यारे दोस्तों, वो हमेशा थ्री फेज होते हैं। जैसा कि ये भी जो आपको ग्रीन मीटर नजर आ रहा है, ये एक थ्री फेज बाई डायरेक्शनल मीटर है। आप देख सकते हैं कि इसके आउटपुट के ऊपर टोटल 8000 टर्मिनल्स हैं, जिनमें से चार जो हैं वो इनपुट्स के हैं और चार जो हैं वो आउटपुट के हैं। अब उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्यारे दोस्तों, अगर आप ग्रीन मीटर को मुकम्मल तौर पर समझना चाहते हैं, वो ये है कि आमतौर पर एक जो थ्री फेज कंज्यूमर होता है, थ्री फेज जो सारिफ होता है, वो अमूमन तीन किस्म के जो चार्जेस हैं वो सप्लाई कंपनी को पे करता है, चाहे वो सप्लाई कंपनी आइसको हो, फेस्को हो, लेस्को हो या फिर के इलेक्ट्रिक हो। इन तमाम के लिए पाकिस्तान में डिस्को का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और ये सारी की सारी जो सप्लाई कंपनीज हैं ये ओवरऑल नेपरा के अंडर आती हैं। तो हर एक कंज्यूमर से बिजली का बिल वसूल करने के लिए हर कंपनी ने एक रेट लिस्ट जो है वो मुतय्यन की होती है, जिसको टैरिफ कहा जाता है। तो उस टैरिफ के अंदर जो थ्री फेज़ कंज्यूमर्स होते हैं, उन्होंने तीन किस्म के जो चार्जेस हैं वो पे करने होते हैं, जिनमें से पहले चार्जेस होते हैं जनाब पीक टाइम पे, और पीक टाइम आपको पता है कि स्टार्ट हो जाता है गर्मियों में शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। तो एक ये वाले चार्जेस होते हैं जिसका रेट जो है वो अमूमन 24 रुपये पर यूनिट लगाया जाता है। उसके बाद एक टाइम होता है ऑफ पीक, यानी कि शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक का जो टाइम है, इसके अलावा जितना भी टाइम है, यानी कि रात के 11 बजे से लेकर अगले दिन के शाम 5 बजे तक ये जो टाइम है, इसको ऑफ पीक कहा जाता है। तो इसकी जो कैलकुलेशन है और इसके जो चार्जेस हैं और इसका जो रेट है वो अलग से है, और इसका जो रेट है वो 18 रुपये पर यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है तमाम थ्री फेज़ सार्फीन को, जो कि रेजिडेंशियल टैरिफ के अंदर फॉल करते हैं। अब इसी तरह से थ्री फेज़ के अंदर ये एक और कैटेगरी है जो कि कमर्शियल कहलाती है। कमर्शियल टैरिफ के अंदर जो है वो थोड़ा सा रेट में फ़र्क है। तो कमर्शियल जितने भी सार्फीन हैं, उन्होंने एक तीसरे किस्म के चार्जेस भी पे करने होते हैं, जिसको हम MDI का नाम देते हैं, जिससे बनता है मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। ये अमूमन फिक्स्ड होते हैं, जो कि 440 रुपये के हिसाब से जो है वो बिजली के बिल के अंदर टैरिफ के अंदर लगाए जाते हैं। तो जो रेजिडेंशियल कस्टमर्स होते हैं वो सिर्फ पीक टाइम के और ऑफ पीक के चार्जेस पे करते हैं, जबकि जो कमर्शियल होते हैं वो पीक टाइम के अलावा ऑफ पीक और इसके अलावा MDI के चार्जेस भी पे करते हैं। तो अब ये जो मीटर है जनाब, ये तीन किस्म की रीडिंग तो मैयर करता ही है, पीक टाइम के यूनिट्स, ऑफ पीक के यूनिट्स और इसके अलावा MDI। इसके साथ साथ ये एक्सपोर्ट होने वाली जो रीडिंग्स हैं वो भी मैयर करता है। उसके बाद प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मीटर के ऊपर कौन कौन सी जो रीडिंग्स हैं वो डिस्प्ले होती हैं और हमने इससे रीडिंग कैसे लेनी होती है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि फुल जो आपका मीटर है वो अभी रीसेट कंडीशन के अंदर है। तो जो ये पहले नंबर वाली रीडिंग है,
फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है जी आपकी तारीख, जो कि आप देख सकते हैं इस वक्त आज की तारीख डिस्प्ले हो रही है जी 13 मार्च सन 2022। तीन नंबर रीडिंग के ऊपर देखें तो आपका टाइम चल रहा है जो कि अभी शाम का वक्त है, 5:27 हो चुके हैं। 24 आवर फॉर्मेट के अंदर इसको 17:27 कहा जाता है, आप जानते ही होंगे। चार नंबर के ऊपर आती है जनाब टोटल किलोवाट आर इम्पोर्ट, यहाँ पर आप देखें साथ साथ लिखा भी हुआ है कि जितने यूनिट आपने वापटा से खरीदे होंगे टोटल जो इम्पोर्ट किए होंगे वो सारे इधर आएंगे जनाब, और ये ऑफ पीक का टाइम है, यानी कि दिन के टाइम पे जो आपके यूनिट्स होंगे वो सारे चार नंबर पे आएंगे। पांचवें नंबर पे आएंगे जनाब आपके वो यूनिट्स जो कि आपने ऑफ पीक के दौरान वापटा को सेल आउट किए होंगे, यानी कि जो आपके सोलर सिस्टम ने बनाए होंगे पांचवें नंबर के ऊपर वो आएंगे। छठे नंबर के ऊपर आएंगे जनाब पीक टाइम के इम्पोर्ट शुदा यूनिट, यानी कि शाम को 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आपने वापटा से जितने भी यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं वो सारे आएंगे 6 नंबर रीडिंग के ऊपर। और 7 नंबर रीडिंग के ऊपर आएंगे कि आपने शाम 6 से रात 11 तक वापटा को कितने यूनिट सेल आउट किए हैं, आपने सोलर से कितने बनाए हैं, जो कि अमूमन 0 ही होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि शाम को जो है वो सूरज ग्रूव हो जाता है तो उसके बाद रात 11 तक कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं होते। हाँ, गर्मियों में जब सूरज शाम को 7:15 ग्रूव होता है, मगरिब लेट होती है, तो उस दौरान शायद ये आखिरी 1 घंटे में 2-3 यूनिट्स जो बचे हैं तो वो यहाँ पर अक्सर डिस्प्ले किए जाते हैं, और उसके बाद से बाकी रीडिंग जो है वो चलती हैं। लेकिन मेन जो रीडिंग्स होती हैं वो इसमें 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर और 7 नंबर होती हैं जो कि नोट की जाती हैं। और इसके अलावा अगर आपने इंस्टेंटेनियस यानी कि लम्हाती तौर पर देखना हो कि इस वक्त जिस वक्त मैं ये बटन प्रेस कर रहा हूँ उस टाइम पे मैं वापटा से कितना लोड इस्तेमाल कर रहा हूँ और कितना जो है वो मैं वापटा को सेल आउट कर रहा हूँ, तो वो जो नंबर है वो 29 और 30 नंबर पे आता है। जैसे कि देखें 19, 20, 21, 22, तो ये जो 29 नंबर पे रीडिंग आएगी जी ये वो आएगी जो कि मैं इस टाइम पे मेरा लोड किलो वाट के अंदर चल रहा होगा, 5 किलो वाट 6 किलो वाट जितना भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ घर में। और 30 नंबर के ऊपर वो वैल्यू आएगी जो कि मैं इस टाइम पे जितने किलोवाट वापटा को सेल आउट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जनाब हम ग्रीन मीटर की जितनी भी जो रीडिंग्स हैं उनको पढ़ पाते हैं। और यही जो चार रीडिंग्स हैं यानी कि 4, 5, 6 और 7, यानी कि इम्पोर्ट शुदा किलोवाट आर, एक्सपोर्ट शुदा किलोवाट आर, पीक टाइम के और ऑफ पीक के, ये चारों रीडिंग्स जो है इनकी तस्वीर लेकर जो मीटर रीडर होता है वो ले जाता है, और उसके बाद वही चार तस्वीरें आपके बिजली के बिल के ऊपर भी प्रिंट होकर आती हैं, और उसके बाद मुतलका जो भी टैरिफ होता है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके आपके घर पे बिल भेज दिया जाता है। अगर तो आपके इम्पोर्टेड शुदा यूनिट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो तो आपको बिजली का बिल आ जाता है, और अगर आपने सोलर सिस्टम की कैलकुलेशन ठीक से करके सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है और इस तरीके से आपके एक्सपोर्ट शुदा जो यूनिट्स हैं वो ज्यादा हैं और इंपोर्ट आपने कम किए हैं, तो फिर आपका जो बिल है वो नॉट टू बी पेड हो जाता है, माइनस में आता है, क्रेडिट में हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जनाब कि आपको आज की ये वीडियो जो कि एक 3-फेज बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर के बारे में थी ये काफ़ी हद तक पसंद आई होगी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर क्या चीज़ होती है, किस तरह से ये काम करता है, कौन कौन सी वैल्यूज़ को और रीडिंग्स को मेजर करता है, कौन सी रीडिंग कितने नंबर पे आती है और किस तरीके से इससे टैरिफ कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपका इस बारे में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नए वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।